कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। संतों की वाणी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम सुनकर यूं ही बढ़ते चले गए हैं, और उनकी जो प्रचलित वाणी है उनको तो विशेष रूप से। अनेक ऐसे दोहे हैं, ऐसे भजन हैं जो इतने अधिक प्रचलित हुए, इतने अधिक प्रचलित हुए कि मनुष्य उनको अनसुना करके ही निकल जाता है, एज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि हाँ इसका तो यही अर्थ है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बात कुछ अलग है। जो जितना सर्वाधिक प्रचलित दोहा है या भजन है या गीत है या अन्य संतों की वाणी है, उनमें इतने गहरे अर्थ हैं कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, गोता लगाना पड़ता है ना। तो सामान्यतः तो गोता कोई लगाता नहीं, किनारे किनारे पर छप छप की पानी की बात समाप्त हो गई, उसी से तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि गहरा गोता लगाने में बहुत देर तक सांस रोकना पड़ता है। और फिर एक ऐसा गहरा गोता होता है कि साथ में ऑक्सीजन लेकर जानी पड़ती है, तब बहुत गहरे में बहुत देर तक ठहरा जा सकता है और तब खोजबीन की जा सकती है कि यहाँ है क्या क्या। तो जो संतों की वाणी है ना, वो अथाह महासागर है। अब मारते रहिए इसमें गोते। तो आज भी कबीर साहब की जिस वाणी पर हम चर्चा करेंगे, आप सुनते ही कहेंगे अरे कुछ नहीं, सब आता है हमें, आगे बढ़ो, इसे क्या सुनना। लेकिन इसे सुनना है, गुनना है और बुनना है। तो पहले सुनते हैं। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिरे पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट कबीरा, प्राण जाहि जब छूट। अब आप सोच रहे होंगे कि 3600 बार सुना है ये दोहा हमने, इसमें ऐसी क्या खास बात है। सीधी सीधी बात कबीर साहब कह रहे हैं कि राम नाम की लूट मची है भैया, लूट ले, नहीं तो अंतकाल पछताएगा। बात खत्म, दोहा समाप्त, अर्थ समाप्त, अपना चाय बनवाओ, बिस्किट के साथ खाओ, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, बात तो अभी शुरू ही नहीं हुई, ख़त्म कहाँ से हो जाएगी। कबीर साहब फरमा रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। चुनौती दे रहे हैं, और शब्द किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लूट का, कि राम नाम की लूट है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात आती है कि कबीर साहब लूट क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं। लूट शब्द तो अच्छा शब्द नहीं है भाई, किसी को लूट लिया कहते हैं ना, तो लूटने का तो अर्थ ही बहुत गलत है। तो कबीर साहब ने यहाँ पर लूट शब्द का उपयोग किया, क्या कारण है कि लूट शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा शब्द भी कर सकते थे कि राम नाम की ढूंढ है, ढूंढ सके तो ढूंढ, कितना प्यारा लग रहा है ये भी, लूट से तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कबीर साहब लूट शब्द को ही चुन रहे हैं, तो कोई खास वजह होगी इसकी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कबीर साहब कुछ चुन लेंगे। अगर उन्होंने यहाँ लूट को चुना है ढूंढ के बदले, तो भी ढूंढ चुनते हैं तब भी देखिए कितना सुंदर अर्थ निकलता है कि राम नाम की ढूंढ है, सब ढूंढ रहे हैं राम को, ढूंढ सके तो ढूंढ, तू भी ढूंढ ले भाई, ढूंढ सकता है तो। अब हम लूट पर आते हैं कि लूट,
शब्द क्यों यहाँ पर सार्थक है। पहले तो इसकी एक छोटी सी भूमिका समझ लीजिए कि अनेक बार संत जो उदाहरण देते हैं ना, उसका बहुत गूढ़ अर्थ होता है, गहरा अर्थ। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भक्त को ना शराबी के समान होना चाहिए। अब अनेक भक्तों ने तो बड़ी आपत्ति की जब हमने उनसे कहा, कहते रामकृष्ण परमहंस ऐसा कह ही नहीं सकते। वो मैंने कहा कह दिया है, कह सकते नहीं, कह दिया है कि भक्त को शराबी के ही समान होना चाहिए। कैसे वो समझाते हैं रामकृष्ण परमहंस, कहते हैं कि शराबी को यदि कोई दूसरा उसका मित्र शराब पीने का न्योता दे दे तो अपने हज़ार कामों को छोड़कर वहाँ पर शराब पीने पहुँच जाता है। चाहे कितने भी महत्वपूर्ण काम हो, लेकिन कुछ न कुछ आयोजन बिठाकर वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। तो कहते हैं इसी तरह से भक्त को होना चाहिए कि यदि राम नाम का कहीं से न्योता मिले कि साधु मंडली आई है, संत महाराज आए हैं, कुछ है, न्योता मिल रहा है, तो जो भक्त है ना, उसे भी उस शराबी के समान अपने हज़ार कामों को छोड़कर राम के उस निमंत्रण में चले जाना चाहिए। अब उसकी वो विशेषता ली उन्होंने शराबी की। तो यहाँ पर लूट शब्द की जो महिमा है वो कबीर साहब ले रहे हैं। अब इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से, बात बहुत गहरी है, जब तक बहुत सारे उदाहरणों को मैं नहीं लूँगा ना, बात समझ नहीं आएगी। बचपन में गाँव में हमारे एक ट्रक गुज़र रहा था, घटना मुझे याद है। तो ट्रक वाले ने चाय की दुकान के पास चाय पीने की इच्छा से उसको थोड़ा कच्चे में उतार लिया। ट्रक भारी था, कच्चे की मिट्टी पोली थी और ट्रक पलट गया। अब पलट गया तो उसमें जो अनाज की बोरियां थी सब गिर गई। अब ट्रक ड्राइवर बड़ा घबराया, स्वाभाविक था घबराना, चोट तो उसे नहीं लगी। तो उसका जो सहायक था वो दोनों कूद कर बाहर आए। ड्राइवर ने कहा कि मैं शहर जाकर मालिक को फ़ोन करके आता हूँ, तू तब तक ट्रक को संभाल। अब उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे बिल्कुल भी, मोबाइल क्या, टेलीफोन ही नहीं होते थे, तो शहर में भी कहीं जाके ढूंढेगा वो। अब शहर जाने आने में उसको 4 घंटे लगेंगे, तो तब तक जो हेल्पर होता है वो ट्रक के पास। अब इतनी देर में गाँव वाले आ गए और देखा अनाज की बोरियों का ट्रक गिरा हुआ है। बस देखते देखते लूट मच गई, जिसे आए वही अनाज की बोरी उठाकर भागे। एक से एक पहले अपने सामर्थ्य से अधिक उठाने का प्रयास करे। अब वो जो हेल्पर था वो रोकने का प्रयास करे तो उसे धमका दिया, डरा दिया। थोड़ी ही देर में पूरा ट्रक, उसका अनाज सब साफ, और जो थोड़ी बहुत अनाज की बोरी फट के बाहर अनाज गिर गया था उसे लगे हाथ पक्षी उठा कर ले गए। वो भी कहाँ चूकने वाले थे, क्योंकि लूट मची है। अब लूट ऐसी मची कि थोड़ी ही देर में पूरे ट्रक का सारा अनाज साफ, सब बोरियां उठा उठा कर ले गए। अब लूट में एक विशेषता होती है, लूट में एक उत्तेजना होती है, जल्दबाजी होती है कि मैं जल्दी से लूट लूँ। लुटेरे देखे ना, जब लूटने आते हैं, देखा होगा फिल्मों में भी बैंक लूटने आए हैं, तो कितनी जल्दी में होते हैं लुटेरे कि बस कम से कम समय में अधिक से अधिक सामान मैं बटोर लूँ और छीन लूँ और लूट लूँ। अब इसलिए यहाँ पर कबीर साहब ने लूट शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो राम है ये एक रत्न है। मीराबाई भी कहती है ना, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब ये राम रूपी रतन को लूटना है, लूटे कैसे, पहरे पे माया बैठी है, माया लूटने ही नहीं देगी इसको, लूटो कैसे लूटोगे। अब कबीर साहब कह रहे हैं इंसानों को कि सुनो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, चुनौती है तेरे लिए, अगर लूट सकता है तो लूट ले, क्योंकि अंतकाल पछताएगा जब जाएंगे प्राण छूट, क्योंकि जब तेरे प्राण छूटने वाले होंगे तब तू पछताएगा कि मौका मिला था मुझे तो। राम नाम की लूट थी और माया को चुनौती देकर मैं लूट सकता था। कह रहे हैं ना कबीर साहब, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कि लूट सकता है बता, है हिम्मत कि माया को चुनौती देकर, ललकार कर, धमका कर,
और तू राम नाम को लूट के ले जाए, वो संपदा बटोर ले राम नाम की, क्योंकि जब प्राण छूट गए उसके बाद नहीं लूट सकता। लूटने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक यंत्र चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मनुष्य का जो शरीर है यही एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से इस राम रूपी धन को लूटा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन है ना, तो मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन है, तो आप बात कर सकते हैं। अब सेल फोन ख़राब हो जाए, टूट जाए, कैसे बात करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो वो एक टूल है, एक डिवाइस है बात करने की। वैसे ही ये मनुष्य शरीर एक डिवाइस है परमात्मा से बात करने की, यानी यही वो फ्रिक्वेंसी पकड़ सकता है परमात्मा की, यही नंबर डायल कर सकता है मनुष्य का शरीर, देवता भी नहीं कर सकते। तो ये संभावना जो मानव शरीर को दी गई, कबीर साहब कह रहे हैं कि देर मत कर, देखा है ना लुटेरों को, समझा रहे हैं वो भक्तों को कि अरे देखो, सीखो कुछ लुटेरों से, कितनी जल्दी में कितना अधिक लूट कर ले जाते हैं। तत्काल उन्हें एक खबर तबड़ मची होती है, त्वरा होती है, एक्साइटमेंट होती है, घबराहट होती है कि कहीं इससे पहले कि कोई पकड़ ले हम लूट कर ले जाएं। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि इससे पहले कि माया तुम पर हावी हो जाए, तुम माया पर हावी होकर इस राम नाम की लूट को लूट लो, ये रतन इकट्ठे कर लो, क्योंकि यही करेंसी है असली, यही काम आएगी, यही वास्तविक मुद्रा है, यही साथ जाएगी। तो जो साथ जाएगी उसे बटोरा जाए ना, जो साथ ही नहीं जाएगी उसे क्यों बटोरा जाए। तो ये बहुत गहन बात कबीर साहब ने इतनी सरलता से बता दी, और उदाहरण भी वही लिया जो हमारी सहज प्रकृति का है। लूट में इंसान का बड़ा भरोसा है। ज़रा देखिए अधिकांश मनुष्यों के मनों को, सभी चाहते हैं बिना कुछ किए धरे बहुत सारी माल और दौलत मिल जाए, सभी की इच्छा होती है, अधिकांश की। एक आध को छोड़ दिया जाए कि बस बेहिसाब दौलत मिल जाए और लूट का माल मिल जाए, तो और क्या कहना, किसी भी प्रकार से कैसी भी लूट हो, कोई लॉटरी लग जाए, कोई गड़ा खजाना मिल जाए, कहीं कुछ और बात बन जाए, यानी कम परिश्रम किया जाए, ना ही किया जाए तो बहुत अच्छा, और बेहिसाब धन दौलत मिल जाए। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि बाद में मत पछताना, फिर मत कहना कि बड़ी मुश्किल से तो ये मुझे शरीर मिला था और मैंने इसका किया क्या, ये तो एक यंत्र था जिसके माध्यम से मैं उस तक अपना नंबर डायल कर सकता था, कॉल लगा सकता था वहाँ पर। ये एक डिवाइस है कॉल करने की परमात्मा को, सबसे बड़ी, लेकिन इस डिवाइस का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। फिर से कबीर साहब की इस वाणी को सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, और बल्कि रट लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, सुन लीजिए, सुनते सुनते ही ये याद हो जाएगी। लूट सके तो लूट ले वे, राम नाम की लूट, पाछे फिरे पछताओगे, प्राण जाही जब छूट कबीरा, प्राण जाही जब छूट।